जिस बात को सुन चुके हो छह कान, यानी कि तीन रे, जिस बात को सुन चुके हो छह कान, उस बात को तुम गुप्त मत मान। वो बात कभी गुप्त रहेगी ही नहीं जो दो आदमियों से बाहर चली जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ आचार्य चाणक्य द्वारा दिए गए ज्ञान की, यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसे चाणक्य नीति कहते हैं। हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में अनेकों नीतियाँ, यानी स्ट्रेटजी, लाइफ को कैसे जीना है, काफ़ी सारे बड़े बड़े विद्वानों ने लिखी हैं, अवेलेबल हैं, और उन्हीं में से एक है चाणक्य नीति। मैं ये पुस्तक आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये पुस्तक है चाणक्य नीति, लिखा है सरल दोहा रूपांतरण, यानी ये दोहों में रूपांतरण की गई है। ये मैंने की है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो जैसे चाणक्य ने राजनीति के बारे में बातें बताई हैं, इसलिए कोई भी राजनीतिक अच्छी बातें करता है तो हम कहते हैं यार क्या चाणक्य है। अर्थशास्त्र में चाणक्य की बातें पूरी दुनिया मानती है। युद्ध क्षेत्र में इंसानी व्यवहार को समझने में, ताकि आप आगे धोखा ना खाएं या आगे आपकी जो भी डीलिंग और बेटर हो जाए, वो सारी चाणक्य नीति उसके लिए बहुत ज्ञान देती है, बहुत बातें देती है। यानी चाणक्य नीति के अंदर वो सब कुछ है जो हमारे जीवन में घटित होता है किसी भी रूप में। यानी इसको हर क्षेत्र का व्यक्ति अपने काम के अनुरूप इसको यूज कर सकता है। हमारा वास्ता तो इंसानों से पड़ता है ना, ह्यूमन से पड़ता है, और ह्यूमन बिहेवियर की जो टेंडेंसीज हैं, काम करने के जो तरीके हैं, उनको डील करने की जो अप्रोच है, वो चाणक्य नीति से बेहतर बहुत मुश्किल है मिलनी, क्योंकि उन्होंने बहुत सरल भाषा में समझाया है। चाणक्य नीति के 17 चैप्टर हैं और ये 337 श्लोक जो कि मैंने दोहों में कन्वर्ट करे हैं इस पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। साथ में उनका एक चैप्टर और है 17 के अलावा, जिसमें सूत्र कहते हैं, 584 सूत्र दिए गए हैं। सूत्र जिसे हम लोकोक्ति भी कहते हैं, यानी कम शब्दों में ज्यादा बातें कहने का तरीका, उसे सूक्ति कहते हैं। जैसे कहते हैं, कठिन है संसार का वो काम जिसमें नहीं दोष का नाम, यानी हर काम के अंदर कहीं ना कहीं गुंजाइश हो जाती है गलती करने की, उसमें दोषारोपण करने की, उसमें लांछन लगाने की, हर काम के अंदर हो जाती है। इस प्रकार छोटी छोटी सूत्र भी उन्होंने दिए हैं। ये सारे के सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे, जब आप पढ़ेंगे बहुत सारे तो हम पहले से ही यूज कर रहे होते हैं अपने जीवन के अंदर, इवन गांवों में, शहरों में, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारे इवन बच्चे भी बहुत सारी बातें उनकी पहले से ही यूज कर रहे होते हैं। यानी चाणक्य नीति का एक प्रभाव हमारे व्यवहार में पहले से काफी कुछ चल रहा है। ये चाणक्य नीति जो मैं आपको दिखा रहा था, एक्चुअली मैंने कुछ किताबों का ट्रांसलेशन किया है संस्कृत से हिंदी में, यानी श्लोकों को दोहों में कन्वर्ट किया, उनमें से चाणक्य नीति एक है। इसके जो श्लोक संस्कृत के हैं उनको हिंदी के सरल दोहों में कन्वर्ट किया गया, ताकि हर कोई उसको समझ सके, समझेंगे तभी तो अपने जीवन में उसे हम लाएंगे। और ये किताब अमेजोन पर अवेलेबल है। अब इसमें किस प्रकार के दोहे हैं, कि सिंपल भाषा क्या यूज की है, मैं 3-4 आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि भाषा कितनी सरल है या कितनी कठिन है, वो आपको एक एहसास, उसका एक आइडिया आपको उसका हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम चैप्टर नंबर 7 का एक मैं दोहा पढ़ता हूँ, 13 नंबर दोहा जो इसमें लिखा गया है। सदा न रखो सीधा सरल व्यवहार, हमें कहा जाता है ना कि बिल्कुल सीधे सरल रहो, लेकिन जरा देखिएगा जीवन में इसकी उपयोगिता कितनी है, कहाँ कहाँ है। सरलता एक ताकत होती है, ये मैं भी कहता हूँ, लेकिन जरा समझिएगा जो ये आपको बताना चाह रहे हैं। सदा न रखो सीधा सरल व्यवहार, जंगल से सीख लो जाकर बाहर, यानी नेचर आपको बताता है, काट दिए जाते पेड़ जो सीधे खड़े,
खड़े रहते हैं जो होते आड़े तिरछे, जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते उन्हें कोई नहीं काटता है। ये तो वही बात होगी जो सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, आप सीधी गाड़ी चलाओगे तो नीचे गिरोगे ही गिरोगे। तो चाणक्य ने इस प्रकार जो व्यवहार की, जो चीजें पकड़ पकड़ के हमें समझाने की कोशिश की है, जो कि सरल भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया गया है। और इसके बाद मैं एक आध और भी आपके लिए पढ़ देता हूँ, 17 चैप्टर का 18 नंबर दोहा, जो कि आखिर का दोहा है इसमें। और ये हमारे जीवन में हमने बहुत बार इसको सुना होगा, बचपन में हम इसको सुनते आए हैं किसी न किसी रूप में। भाषा अलग हो सकती है लेकिन ये इसेंस, इसका जो भाव है वो हम सुनते आए हैं। एक अत्यंत बूढ़ी जिसकी झुकी हुई कमर, बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, एक अत्यंत बूढ़ी महिला जिसकी झुकी हुई कमर, एक जवान ने किया मजाक उससे हंसकर। जब इंसान जवान होता है या बच्चा होता है उसे नहीं पता होता, हालांकि पता होता कि एक दिन बूढ़ा होगा अगर जिंदा रहा तो, लेकिन उसे लगता है शायद मैं तो ऐसा ही रहूंगा जब तक रहूंगा, तो वो मजाक करता है। क्या ढूंढ रही हो तुम धरती पर यूं झुककर, झुक के चलते हैं ना, क्या ढूंढ रही हो तुम धरती पर यूं झुककर, अरे मूर्ख खो गया यौवन उसे ढूंढूं मैं मुड़कर। वक्त जो गुजर जाता है वो गुजर जाता है, वो कभी नहीं आता है, ये संदेश इसके अंदर कहा गया है। ये एक्चुअली लास्ट, तकरीबन लास्ट के एक दो दोहा इसके बाद और होगा, तो ये कहा गया ऐसे। इस प्रकार अनेकों दोहे, यानी कि 337 दोहे हैं जो कि श्लोकों का रूपांतर किया गया है। ये उसके एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है लेकिन उस भाव को व्यक्त करने की कोशिश की है ताकि आम आदमी उसको समझ सके, वो इसके अंदर आपको मिलेगा। अब मैं कुछ सूत्र भी पढ़ के आपको बताता हूँ। 204 सूत्र, दुष्ट दिखाएगा क्या नीचता के सिवा। कितनी सरल बात है, इंसान जैसा होता है वैसा ही व्यवहार करेगा, वो बदलेगा नहीं। हम भी कहते हैं ना कि सजेस्टिबिलिटी पहले 5 साल में बन जाती है, पर्सनैलिटी पहले 5 साल में निर्धारित तो हो चुकी होती है कि एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा, वो चेंज नहीं होती है। वही भाव आप यहाँ पे देखते हैं, दुष्ट दिखाएगा क्या नीचता के सिवा, यानी जिसके अंदर जो है वही चीज़ तो बाहर आएगी। कितने सरल शब्दों में इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। और एक और हमारे व्यवहार के, बिल्कुल व्यवहार में जुड़ी बात एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब किसी के साथ कोई दुर्घटना हो रही होती है, अड़ोस में पड़ोस में या कहीं दूर, बहुत सारे लोग उसे कन्नी काट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं आज उसका नंबर है तो आपका घर भी दूर नहीं है। इसके बारे में सरल शब्दों में कैसे कहा है, जब लगती जंगल में अग्नि, जब लगती जंगल में अग्नि, जल जाता है चंदन भी। जैसे चंदन जल जाता है, आप कितने श्रेष्ठ हो, लेकिन जब ये उन्माद फैलता है तो आप भी नहीं बचते हैं। तो ये सारी बातें, यानी 500 से ज़्यादा इस प्रकार के सूत्र और 300 से ज़्यादा इस प्रकार के दोहे ह्यूमन व्यवहार के लिए दिए गए हैं। खैर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं चाहूँगा कि आप इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करें, ये आपको रेपो बिल्डिंग में मदद करेगा, क्लाइंट के इशू को एनालाइज करने में मदद करेगा, उसके बिहेवियर को प्लान करने में भी मदद करने में बहुत सारी सहायता इससे मिलेंगी, ज्ञान का भंडार। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।